ونسلم على رسوله الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرين سامعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته علامات قيامه क़यामत से पहले क्या कुछ दुनिया देखेगी अहादी से की रोशनी में आपके सामने कुछ बातें तफसील तमाम तर तो मुख्तसर नशिस्तों में बयान नहीं हो सकती कुछ ज़रूरी बातें क़यामत से पहले ज़हूर होगा जाहिर होंगे तशरीफ लाएंगे हजरत सयदना इमाम मुहमद अलमहदी रजियल्लाबुवत में से बारवें इमाम शुमार होंगे और जमीन पर अल्लाह त खलीफा होंगे अल महदी के माने अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत याफ्ता मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुरान करीम में है इन्नमा अंता मुनजीरुन वलि कुल्ली कौम हाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हादीए कायनात हैं हर कौम के लिए अल्लाह के अजाब से डराने वाले और हिदायत को निंदा हिदायत अता फरमाने वाले जब कोई मकाम में हिदायत पर फाइज हो जाता है तो वो हिदायत याफ्ता हो तो वो हिदायत को निंदा भी बन जाता है यानी वो हिदायत देने वाला भी हो जाता है हदीस शरीफ में है अलईकुम बिसनति वसुन्नतुलाफा राशिदीन अलमहदीन खलाफा राशिदीन को महदीयिन फरमाया गया इसके अलावा भी अस्थियों के लिए ज़िक्र है अल्लाह ताला से जिसको नवाजशात इनायात मैसर होंगी उसकी शान ज़ाहिर होगी एक बात करना चाहता हूँ मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु वसल्लम ने वदा के ख़ुतबे में शात फरमाया था मैं तुम में दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ किताबुल्ला और अपनी सुन्नत का हवाला और एक रिवायत में अपनी इतरत का हवाला व इतरती यानी मेरी औलाद और इनको दोनों को भारी चीजें भी फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद में बहुत कुछ है अगर तवज्जो की जाए तो हजरत इमाम महदी का तशरीफ लाना ये भी कुरब क़यामत की एक वाज़े अलामत होगी यानी वो आखिर जमाने में तशरीफ लाएंगे वो पहले से मौजूद नहीं हैं विलादत होगी और जाहिर होंगे इस हवाले से एक दो बातें आपको ये भी बता दूं कि बहुत से अदवार में अदवार जमा दौर की जमानों में बहुत से लोगों ने दावे किए महदी होने के हर दौर में इस लक़ब से मुसलमानों को बहकाने और नुकसान पहुंचाने की कोशिशें की गई एक तसलसल मिलता है कि किस किस ने दावा किया गैर मुस्लिम मुसलिमतें पुश्त पनाही करती रहीं और कुछ लोगों से ये दावा करवा कर उन्होंने इस्लाम का सीना जख्मी करने की साजिशें की बहुत से दावेदार उठे और कहा कि वो महदी हैं अगर मैं पुराने नाम लूँ तो अब्दुल्ला बिन सबा अबू मंसूर अजली हसन बिन सबा साले बिन तरीफ़ याहिया बिन महदी अब्दुल अजीज़ तराबलसी और इस तरह के बहुत से नाम हैं कुछ बरस कबल इंग्लैंड में एक शख्स ने इमाम महदी होने का दावा किया था मगर महदी कौन होगा उसकी निशानियां बयान की गई है जिसमें वो निशानियां पाई जाएंगी वही होगा भले और कितने लोग दावा करते रहे वो हरगिज महदी नहीं हो सकते महदी साद यानी सच्चे महदी जिनकी तस्दीक अहादी से नबवी अला साहिबा व वसलाम में जो बयान हुई है निशानियाँ उनके मुताबिक यहाँ ये भी जहन नशीन कर लीजिए कि हज़ूर अक्रम अलैहि वम के ये इरशादात जो हज़रत इमाम महदी के बारे में हैं ये तवातुर के दर्जे को पहुँचे हुए हैं यानी इनका इनकार नहीं किया जा सकता और किसी का इसमें इख्तिलाफ भी नहीं है उनके जहूर से पहले जो अलामत जाहिर होंगी अहादी से मुबारक में बयान मिलता है उनका जहूर जिस वक्त होगा वो अफरा तफरी का ज़माना ये अफरा तफरी हम उर्दू में कहते हैं अरबी में लफ्ज हैं इफ़रात तफरीत यानी कमी बेशी बहुत ज़्यादा होगी माहौल में तो अफ़रात तफरीत नहीं पुकारा गया तो उसको अफरा तफरी कहना शुरू कर दिया तनाज़ात और जंगें आपस में और दुनिया में बहुत बढ़ जाएंगी हलाकत और खू रेजी क़त्ल गारत ब्लड जिसको कहते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा खौफ हरास ज़्यादा होगा आफतें ज़मीनी ज़्यादा नज़र आएंगी ज़्यादा रूनुमा होंगी जुल्म जबर बहुत बढ़ जाएगा बड़े बड़े फितने जन्म लेंगे एक फितना अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं होगा कि दूसरा फितना शुरू हो जाएगा वो पहले की जगह ले लेगा और वो फिर बढ़ता चला जाएगा लोग इतने तंग आएंगे कि मौत की दुआएं मांगेंगे कि इससे मौत भली है हम ये चीज़ें नहीं देखना चाहते ये जो उरियानी है फाशी है खराबी है बदअनवानी बिगाड़ जिसको हम इंग्लिश में करप्शन कहते हैं इसका बहुत ज़्यादा मामला होगा माशरे में यानी माशरती जिंदगी भी बोझल होगी लोगों के लिए आसानियाँ नहीं होंगी मुस्त अहमद में हज़रत सैदना अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तनों से रवायत कि मेरे प्यारे आका करीम व अलैहि सल्ला वसम ने फ़रमाया कि इमाम महदी को उस वक्त भेजा जाएगा जब लोगों में फ़ितने झगड़े तनाज़ात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और बड़े पैमाने पर ज़मीन में फसाद होगा यानी ज़मीन फसाद से फसाद के माने ख़राबी फसाद से भरी हुई होगी और ये हजरत इमाम महदी जब तशरीफ लाएंगे ये इसी फसाद वाली दुनिया को अदलो इंसाफ से भर देंगे मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत पर कितने एहसान हैं उनके घराने की कितनी मेहरबानियां हैं ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का आपके खून का आपकी औलाद का फैज़ान होगा जिन्हें हम अहले बहत नबोत कहते हैं अहले बत अतहार कहते हैं वो पाकीज़ा हस्तियाँ जो मासूम तो नहीं हैं मगर अल्लाह की तरफ से महफूज हैं शान वाली है अल्लाह ताला ने इन्हें बड़ी शान अता फरमाई है वो हिदायत याफ़्ता महदी के माने मैंने आपको बताए तो उनकी बरक़त से ज़मीन पर अमन आएगा अदल इंसाफ यहाँ तक बताया गया कि बच्चे सांप और बिच्छू से खेलेंगे और ये जानवर जो मूजी हैं ईजा देने वाले ये उन्हें परेशान नहीं करेंगे तंग नहीं करेंगे वो जो एक कहावत है ना कि शेर और बकरी एक घाट से पानी पीना ये भी मंजर उनके जमाने में देखा जाएगा बाज़ ने लिखा है जो मुख्तलिफ एक किताब है इमाम मोहम्मद बिन रसूल सैयद बरजंजी की अल एशाह अशरात उसमें उन्होंने बहुत सी निशानियां जमा कर दी है ये बहुत पुराने बुज़ुर्ग चार सौ साल पहले के उन्होंने उसमें जमा किए हैं कि मशरक़ की सम से ईस्ट एक दमदार सितारा जाहिर होगा मुबारक का महीना होगा एक ऐसी आवाज़ सुनाई देगी कि सोए हुए लोग उसकी दहशत से उठ के बैठ जाएंगे और जागे हुए लोग डर जाएंगे सहम जाएंगे कुछ लोगों के नाम हैं जो फितना गर होंगे यानी ट्रबल मेकर उनको आप कह लीजिए विकेड पीपल वो ज़ाहिर होंगे उनके फितने होंगे वो बहुत से लोगों को मिलाकर बहुत कुछ करेंगे उनमें हर हजल किन्दी अकबा अशब और सुफियानी वगैरह के नाम बताए गए हैं दमिश्क के मशरक़ में ये दमिश जिसको हम मुल्क शाम सीरिया अरबी वाले सूरिया कहते हैं उसके मशरक़ के ज़मीन में एक सालम वादी यानी पूरी बस्ती धसा दी जाएगी ज़मीन उसको निगल जाएगी मशरक़ से सयाह परचम ब्लैक फ्लैग यानी काले झंडे थामे हुए एक लश्कर नमोदार होगा बाज मुहदसिन ने तफसी से और बाज ने अख्तसार से लिखा रमदान की पहली तारीख को चांद गिरहन और पंद्रह तारीख को सूरज गिरहन होगा साइंस इस बात से एग्री नहीं करती मगर अल्लाह ताला की निशानियां हैं साइंस कुदरत की पाबंद है क़ुदरत साइंस की पाबंद नहीं है हम शरीयत के आकाम अल्लाह ताला जो चाहे करे यफ़ यशा उसकी शान है ऐसा बयान किया गया है हम इस हवाले से ये भी जानते हैं कि हज़रत इमाम महदी रदी अल्लाह तन हो जब तशरीफ लाएंगे तो उनकी वलादत होगी मदीना मुनवर में नबी करीम अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक वो उनकी औलाद में से होंगे अलैहि वसल्लम ने अपनी शहज़ादी सयदा कायनात हज़रत फातिमा जहरा रदी अल्लाह तहा वाम तै को ख़ुद फरमाया था ए मेरी बेटी महदी तेरी औलाद से होगा और दीगर इरशादात में भी फरमाया कि वो मेरी औलाद में से होगा मौलाए कायनत है दर करार सैदना अलीदा रदी अल्लाह तह हो अपने बेटे इमाम हसन को देख के फ़रमाते हैं नबी पाक के इरशाद के मुताबिक ये सैद है सैद के माने सरदार के होते हैं अनकरीब इसकी औलाद में एक शख्स ज़ाहिर होगा जिसका नाम नबी पाक के नाम पर मुहमद होगा और नबी पाक सल अल्लाह वालद के नाम पर उसके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा एक रिवायत के मुताबिक उनकी वालिदा का नाम आमीना होगा ये हसनी सादात चूँकि सदना इमाम हसन ने कुर्बानी दी थी एसार किया था अपना जायज़ हक़ के खिलाफत सुपुर्द कर दिया था दूसरों के लिए मुस्लिम उम्मा को बचाने के लिए कत्ल से बचाने के लिए एसार किया था तो हसनी सादात को इमाम महदी की दौलत से नवाजा जाएगा यानी ये इनाम उनको मिलेगा और उनमें वो ज़ाहिर होंगे एक बात करते हुए बड़ा रंजीदा होता हूँ आले रसूल के साथ क़लेमा पढ़ने वालों ही ने बहुत सितम और जुल्म का सलूक रखा कितने कत्ल किए गए कितने सताए गए कितने क़ैद किए गए क्या जुर्म था उनका हुसैनी सादात में हम देखते हैं बहुत ही ऐसी बातें मिलती हैं हैरत होती है कि कलेमा गो अफराद ने ख़ुद को मुसलमान कहलाने वालों ने उनके साथ ऐसा सलूक रखा लेकिन ये हसनी शहज़ादे आएंगे ये क्या करेंगे ये मुसलमानों को ऐसा कर देंगे कि उनमें ये तमाम रंजिशें झगड़े ख़त्म हो जाएंगे वो कताल करेंगे तो गैर मुसलिमों से लेकिन किसी मुसलमान के लिए वो हर ग़ज़ किसी ईजा का सबब नहीं होंगे वो खलीफतल्ला होंगे आइए इस हवाले से मैं आपके सामने कुछ हक़ाक़ रखता हूँ उनके लिए मुस्मद में मौजूद कि वो दुनिया में अल्लाह ताला के खलीफा होंगे एह दीन दीन को जिंदा करेंगे हकूमत इस्लामिया कायम करेंगे और कुर्ब कयामत में तशरीफ लाकर वो इस जमीन पर बुरी बातों को खत्म करेंगे कितनी बुराइयां हैं कितनी बिदात होंगी कितनी और बुराइयाँ होंगी वो ख़त्म करेंगे और हकूमत इस्लामिया जो अदल इंसाफ रवादारी भलाई और अखलाक़ी हालत में बेहतर वो माशरा कायम करेंगे ये हज़रत इमाम महदी मदीना मनवरा में हज़रत सैद फ़ातिमा ज़ाहरा के शाहजादे हज़रत इमाम हसन की औलाद में पैदा होंगे पहले से नहीं है पैदा होंगे और जब इनकी उम्र 40 बरस के करीब दुनिया की गिनती के लिहाज से हो जाएगी तो इनका जहूर होगा कुछ अलिया और ओलामा निशानियों के मुताबिक इनको पहचानेंगे वाकयात बहुत हैं मैं मुख्तसर कर रहा हूँ का बतुल्ल में इनके लिए लोग जमा होंगे ये किसी घर में तशरीफ़ रखते होंगे वहाँ वो अलिया और ओलामा जिनकी तादाद भी सात बताई गई है सेवन मुख्तलिफ ख़ों के होंगे वो जाएंगे इनके सामने रोएंगे पहचान लेंगे पहले निशानियों के मुताबिक और इनसे कहेंगे आइए और मिलत इस्लामिया की क़्यादत कीजिए ये राज़ी नहीं होंगे यानी इनका मकसद कोई हकूमत नहीं होगा ये हरगज़ कोई उसकी खवाहिश नहीं रखते होंगे हमारे यहाँ ख्वाहिश उम्मीदवार होते हैं और इकतदार चाहते हैं हज़रत अबू हर ने एक मरतबा चाहा हजू ने फरमाया जो चाहता है उसका कोई मकसद होता है कोई गरज होती है तो अहल को मिलना चाहिए जो अहलियत कैपेबिलिटी रखते हैं सलाहियत रखते हैं हज़रत इमाम महदी रदी अल्लाह तहों के हवाले से ये बयान जारी है उनकी कुछ और बातें इन शाह अल्लाह तिंदा नशस्त में आपको बताऊँगा गुफ्तु में मुझसे कहीं कोई गलती हुई हो अल्लाह की बारगाह में तोबा करता हूँ बहुत शुक्रिया والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته